क्वेश्चन नाइन देखते हैं. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वॉज टेकन फ्रॉम द एबीज कैश बुक ऑन 30 सितंबर 2015. कैश बुक आपके सामने दी हुई है, बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है 290, 475, 150. कैरी डाउन बैलेंस भी दिया हुआ है आपको. आपको पता है आप जो कैरी डाउन बैलेंस होता है वो बनता है नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉड डाउन. और इससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. बैंक स्टेटमेंट दी हुई है आपको आपके सामने, डेबिट क्रेडिट साइड भी आपको बैंक स्टेटमेंट की दी हुई है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. बनानी क्या है जी आपने, आपने सबसे पहले कैश बुक बनानी है. यू हैव टू ब्रिंग द कैश बुक अप टू डेट. तो उसका बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि हमारा कैश बुक के बैलेंस ब्रॉड डाउन के साथ ही हम उसको भी नोट करेंगे. आपका आ जाएगा वो कितना है 705, ये लिखा हुआ है ना बैलेंस ब्रॉड डाउन. मैं स्टार्ट करता हूँ. आई हैव टू प्रिपेयर द रिवाइज कैश बुक फर्स्ट. रिवाइज कैश बुक के लिए चैट्स क्यों लिख दिया आपने, जी तो बनाते हैं सबसे पहले रिवाइज कैश बुक. इसको अपडेटेड कैश बुक भी बोलते हैं आप, एक ही बात है. और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का ये पहला स्टेप होता है, इसके बाद हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं. रिवाइज कैश बुक में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं रिसीट्स और पेमेंट्स. रिसीट्स क्या होती हैं, वो चीजें जो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर आती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं होती, दे आर कॉल्ड रिसीट्स. पेमेंट्स क्या होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है लेकिन हमने अभी तक उसको कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो आपकी कहलाती हैं पेमेंट्स. बिकॉज कैश बुक इज ऑलवेज अपोजिट टू बैंक स्टेटमेंट. देखते हैं कि बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ हमें 705. यू विल ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस given in the cash book. You will always start the question from the closing balance given in the question, given in the question. The question mein closing balance diya hai, wahan se start karenge, which is 705. So 705 se main start karunga, 705, that is my balance brought down. Ab mujhe sabse pehle kya dekhni hai, receipts likhni hai. Receipts kya hoti hai, wo fizan jo bank statement mein credit hoti hai, main show bhi kar raha hu, lekin bank cash book mein debit nahi hoti. देखते हैं 475 क्रेडिट पे है, यहाँ डेबिट पे है, जी लिखा है. 150 यहाँ क्रेडिट पे है, वहां डेबिट पे है, जी मौजूद है. 980 यहाँ क्रेडिट पे है लेकिन क्या यहाँ डेबिट पे मौजूद है, जी मौजूद है. 475 भी लिखा हुआ है, 150 भी लिखा हुआ है, 980 भी लिखा हुआ है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं. आप देख लें, इसका मतलब है कोई भी रिसीट मौजूद नहीं है, ऐसी रिसीट कोई भी ऐसी नहीं है जो कि बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो लेकिन कैश बुक में डेबिट ना हो. तो सर देयर इज नो रिसीट्स. अब बात करते हैं किसकी, पेमेंट्स की. तो पेमेंट्स की तरफ देखते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हैं लेकिन कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं हुए. देखिए 102 यहाँ डेबिट है, कैश बुक में क्रेडिट है, जी बिल्कुल हुआ है. 35 यहाँ डेबिट है, वहां क्रेडिट है, नहीं है. तो आपको बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. 150 यहाँ चेक डिसऑनर हुआ है, डेबिट किया आपने, क्या वहां कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया हुआ है, नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा. 250 YJ इलेक्ट्रिक को आपने पेमेंट की है, बिजली के बिल की, लेकिन ये इलेक्ट्रिक एक्सपेंस आपने कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा. तो पेमेंट्स हैं जो कि तीन किस्म की हैं, वो हम लिखते हैं. एक तो बैंक चार्जेस हैं, जो कि आपको दिए हैं कितने के, 35 के. उसके बाद डिसऑनर्ड चेक है, जी वो कितना दिया हुआ है जी, देखते हैं हम सवाल में, वो है जी आपका 150 का, वो हम लिखते हैं जी. उसके बाद इलेक्ट्रिक को हमने पेमेंट किया है, जे इलेक्ट्रिक है, उसको हमने पेमेंट किया जो हमने रिकॉर्ड नहीं की कैश बुक में, और वो कितनी है देखते हैं. वो है हमारी 250 की, जो कैश बुक में डेबिट, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई है लेकिन कैश बुक क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं हुई, तो वो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे. 250 की हम यहाँ पर लिख लेंगे 250, दैट्स इट. और तो कोई रिसीट्स और पेमेंट्स है ही नहीं, तो हम कैश बुक का टोटल कर लेंगे. ये आपका आ जाएगा 705, इधर भी आपका आ जाएगा 705. सर क्रेडिट का कैरी डाउन 270 है. वेरी गुड, कैरी डाउन आपका आ जाएगा 270, और यही आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा ब्रॉड डाउन, विच इज 270.
अब हमने क्या बनानी है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपको पता है कि गलतियां वो आती हैं, वो एरर्स आते हैं जो कि बैंक ने किए हों, यानी बैंक के एरर्स आते हैं, और वो कौन से होते हैं, एनपी और एनसी। तो सिर्फ एनपी और एनसी जो है वो बैंक रिकॉन्स स्टेटमेंट में आएंगे। अब हम नॉर्मली स्टार्ट करते थे इसको बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट से 270 से, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जरा सवाल पे चलते हैं और सवाल में देखते हैं। कैश बुक तो हमने बना ली, लेकिन प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और वो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये रिवाइज्ड कैश बुक मेथड नहीं है, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर नहीं है, ये डबल बैलेंस मेथड है। कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक करेंगे, बैंक वाले अपनी गलतियां ठीक करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, और दोनों के आंसर आपस में बराबर आ जाएंगे। सर ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 1358 कहां से लिखा है, ये यहां से उठाया बेटा, 1358 क्रेडिट यहां से पिक किया, 1358 क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट जो क्वेश्चन में दिया है। अब हमारा कैश बुक से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा। अब आपका सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करना है या कैश बुक के बैलेंस से। उसने क्वेश्चन में बेटा बताया होगा आपको, अगर क्वेश्चन में बताया होगा तो आप उसके हिसाब से बैलेंस से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1358। बाकी कॉन्सेप्ट है क्रेडिट बैलेंस है, आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसमें एनपी क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, लेस कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स जी, ऐड कर देंगे हम अनक्रेडिटेड चेक्स। अब देखते हैं अनप्रेजेंट चेक्स हमारे कौन से क्वेश्चन में दिए हुए, मैं रिपीट कर रहा हूं सर 270 से स्टार्ट करना था, यस, लेकिन उसने इस दफा बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करने को नहीं कहा, उसने कहा कैश बुक वाले अपनी गलतियां ठीक करें, और उन्होंने ठीक की और उनका बैलेंस आ गया 270। बैंक वाले अपने बैलेंस से स्टार्ट करके, यानी कि बैंक वाले अपने बैलेंस 1358 क्रेडिट से स्टार्ट करके अपनी गलतियां ठीक करें जो कि एनपी और एनसी ही होती हैं, और उसका बैलेंस भी दोनों का बराबर आ जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का या कैश बुक का, तो एनपी माइनस होते हैं और एनसी ऐड होते हैं। देखते हैं एनपी क्या होते हैं, एनपी वो चेक्स हैं जो कैश बुक में क्रेडिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होते। आई रिपीट अगेन, कैश बुक में क्रेडिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं होते। देखिए 102 यहां क्रेडिट पे है, यहां डेबिट पे है, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। 849 यहां क्रेडिट पे है या डेबिट पे है, नहीं है। 364 यहां क्रेडिट पे है, यहां डेबिट पे है, नहीं है। 500 यहां क्रेडिट पे है, यहां डेबिट पे है, नहीं है। तो तीन नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं जो कि आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे 849 से यंग स्टोर की वजह से। यहां पे लिख रहा हूं जी, सिकंदर बताएं। सर मैंने पूछना था ये पहली बात करी जे आपने ऊपर लिखा हुआ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकॉन्सिलेशन ही है ना? हाँ रिकॉन्सिलेशन है, वो गलती से लिख दिया होगा। ओके सर, और जो 1358 कौन सी स्टेटमेंट क्रेडिट है वैल्यू? बेटा ये दी हुई आपके सामने दी हुई है, मैं इशारा भी कर रहा हूँ 1358 क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट का जो एंडिंग बैलेंस दिया है वहां से सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। तो लैम है 364 का, यंग स्टोर भी आपके हैं, लैम है, उसके बाद ये भी सर, ये आपका आ रहा है 849 प्लस 364 प्लस 500 इज इक्वल टू 1713। जी वेरी गुड, लेकिन मैं देखना चाहूंगा क्योंकि नाम लिखना है ना मुझे एक्सवेरा 500 का, क्योंकि नाम मुझे लिखना है, मैंने बताया था आपको याद है ना, मैंने कहा था कि नाम लिखना जरूरी है क्वेश्चन में 500। ये तीनों आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं, तो तीनों को ऐड करके लिख देंगे जी। अयान कितना आता है बताइएगा? 1713। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1713, और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपके 1358 में से, ये माइनस कर दें तो क्या आ जाता है जी आपका, जी नेगेटिव आएगा ना, क्या नेगेटिव आ रहा है बताएं जी? एक मिनट सर, नहीं मैं निकाल लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 355 सर, माइनस 355 या इसमें हम ऐड कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स,
जो हमारा फॉर्मूला होता है, देखते हैं क्रेडिट चेक्स कौन से दिए हुए हैं, वो क्या होते हैं, जो कैश बुक में डेबिट होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं होते। कैश बुक में डेबिट होते हैं बेटा, बैलेंस को नहीं ले लेना, बैलेंस शामिल नहीं करेंगे। ये देखें 475 यहां डेबिट पे है, जी है। क्रेडिट पे है, जी बिल्कुल। 150 यहां डेबिट पे है, यहां क्रेडिट पे है, जी बिल्कुल। 980 यहां डेबिट पे है, यहां क्रेडिट पे है, जी बिल्कुल। 625 यहां डेबिट पे है लेकिन यहां बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ये हैं आपके अनक्रेडिटेड चेक्स और वो यहां पे क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। कितनी अमाउंट से? 625 से। तो हम ऐड कर देंगे यहां पे 625 और जब नेगेटिव में आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली -355 +625 वो आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा 270। और आप इसे खत्म करेंगे बैलेंस एज पर। अब कैश बुक किस पे? डेबिट पे। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट पे खत्म होगा और आप देख रहे हैं कि दोनों के आंसर बराबर आ गए। एंड दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये अयान डबल बैलेंस मेथड से था। बैंक वाले अपनी गलतियां दूर कर रहे हैं, कैश बुक वाले अपनी गलतियां दूर कर रहे हैं, दोनों के बैलेंस आपस में सेम आ जाएंगे। अब बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट भी वही है और BRS का जो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट वो भी हमने 270 निकाल लिया है। इससे साबित हो गया कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस हमने सेम फाइंड कर लिया। इसको बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट भी कह सकते हैं ना, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में इक्वल होते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है और वही बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। इस तरीके से हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया पूरे क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर अब हम कर रहे हैं कौन से, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 7110 अक्टूबर नवंबर 16 21 हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स दी होंगी, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट बना के नहीं दी होगी बल्कि स्टेटमेंट दी होगी, तो आपने स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया यार, अब आपको कैश बुक बनाकर क्वेश्चन में कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल नहीं दी होगी बल्कि गलतियां बताई होंगी, एरर्स बताए होंगे, BRS में जो एरर्स होते हैं वो बताए होंगे, उसकी मदद से आप कैश बुक का बैंक कॉलम और BRS बनाएंगे। सबसे पहले हम BRS बनाते हैं और सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बनाएंगे क्या चीज, गैबी रिसीव्ड बैंक स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द बैंक अकाउंट एंड द बैंक स्टेटमेंट बार एस फॉलोस। सर इसका बैलेंस नहीं दिया हुआ, बैलेंस यहां बताया हुआ है, बैलेंस ब्रॉड ऑन कितना है 450। देखिए जी, अ चेक फॉर 50 पेड टू जे सिम्सन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दिस इज द फर्स्ट एरर, दिस एरर हैज बीन कमिटेड बाय द बैंक। तो ये बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, ये कैश बुक में नहीं आएगा, ये किसमें जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में, क्योंकि ये हमारे क्या है, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, ये BRS में नहीं आएंगे, कैश बुक में नहीं आएंगे, BRS में आएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाते हैं, नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। ऐसे चेक जो हमने जे सिम्सन को पे किए कि जाओ बैंक से पैसे ले लो लेकिन बैंक वालों ने पेमेंट अदा नहीं की, यानी नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 230 हैड बीन चार्ज टू गैबीज अकाउंट बट वर नॉट रिकॉर्डेड इन गैबीज बुक्स, गैबी हम है, हमारी बुक में अभी तक हमने बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक चार्जेस हमारे क्या होते हैं, पेमेंट होती है बेटा, तो पेमेंट किधर आती है, क्रेडिट साइड पर, तो क्रेडिट साइड पर मैं बैंक चार्जेस लिखूंगा, मेरे आ जाएंगे बैंक चार्जेस कितने थे, कितने से 230 से, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिए बैंक चार्जेस। उसके बाद बैंक है रिसीव डिविडेंड पेमेंट, डिविडेंड होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स और डिविडेंड जो है वो रिसीव होता है, और डिविडेंड जो रिसीव होता है वो आपकी रिसीट होती है, वो बैंक स्टेटमेंट में बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन अभी तक गैबिस की बुक्स में उसको रिकॉर्ड हमने नहीं किया। गैबिस की बुक्स का मतलब है हमारी बुक्स में, और हमारी बुक्स का मतलब है कैश बुक में, तो कैश बुक में डिविडेंड रिसीव हुआ था, रिसीट है आपकी, जिसको हमने अभी तक कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से, डेफिनेटली रिसीट है डिविडेंड के नाम से। अमाउंट कितनी आ जाएगी इसकी, 120, ये भी मैंने रिकॉर्ड कर दी। चेक रिसीव फ्रॉम कैसला वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट,
चेक रिसीव किया था कैसेला से 860 का, लेकिन हमने अभी तक इसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया। गलती किसकी है? बैंक की। ये कैशबुक में नहीं आएगी, ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं। चेक रिसीव हुए, कैशबुक में डेबिट हो चुके हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुए, ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं। ये बीआरएस में आएंगे, क्योंकि एमपी और एनसी बीआरएस में आते हैं। कैश बुक में सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीट्स आती हैं डेबिट साइड पर, पेमेंट्स आती हैं क्रेडिट साइड पर। तो सबसे पहले हम कैश बुक का टोटल बना लेते हैं, यानी कि कैश बुक का आंसर निकाल लेते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। तो 450 प्लस 120 हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी? 570। इसी तरह हम इसका भी टोटल कर लेंगे, सॉरी इधर भी क्या आ जाएगा 570 से मैं माइनस कर दूंगा कैरिट डाउन वाली जो बैंक चार्जेस 230, तो आंसर आ जाएगा कितना 340 इज कैरिट डाउन। एंड आई आंसर दिस कैरिट डाउन विल बिकम द ब्रॉड डाउन ऑफ द नेक्स्ट ईयर विद द सेम फिगर 340। ये हमने बना ली, इसको जल्दी से लिख लें ताकि हम आगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाना स्टार्ट करें। सर जी जी सर, जो 570 को 230 के साथ माइनस करके 340 आया है। जी जी बिल्कुल। अब वो कहता है कि आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है स्टार्टिंग विद द अपडेटेड बैंक अकाउंट बैलेंस, यानी जो 340 बैलेंस आपने निकाला है उसी से स्टार्ट करके आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को डेवलप करना है, उसी से स्टार्ट करके आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। तो हम उसी से स्टार्ट करके जो है वो बनाएंगे और हम अच्छे तरीके से इसको डेवलप करके बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम यहाँ पे बना लेते हैं इस क्वेश्चन की। डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके। हम स्टार्ट किससे करेंगे? बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करने को उसने नहीं कहा, उसने कहा बैलेंस एज पर कैश बुक के बैलेंस से ही स्टार्ट करना है, जो कि आपको पता है कि आपका डेबिट बैलेंस है। मैं आगे ही लिखता हूं इसके, बिकॉज इट लुक्स मोर इफेक्टिव, मोर अंडरस्टैंडेबल टू राइट इट इन फ्रंट ऑफ इट। डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, जो कि हमने निकाला है। हमने क्या निकाला डेबिट बैलेंस कैश बुक का? 340। बेटा ये जो निकाला है बैलेंस 340 ब्रॉड डाउन लिखा है, इसी को आगे लेके जाना है ना आपने, किसमें? बीआरएस के अंदर। तो 340 स्टार्ट करेंगे, डेबिट बैलेंस है तो आपको पता है चाहे बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस हो चाहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हो जाते हैं? एड। इसमें से लेस क्या हो जाते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। माइनस हो जाते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि कैश बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के आंसर के बराबर होना चाहिए। स्टार्ट हम करते हैं, ये रिवाइज कैश बुक मेथड आ गया दोबारा। स्टार्ट हम करते हैं किस कैश बुक के बैलेंस से? खत्म हम करेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, और कैश बुक का डेबिट है तो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होगा। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, अब देखते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। वापस चलते हैं सवाल पे अपने। कैश बुक के डेबिट बैलेंस से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा आंसर में निकला है। एनपी क्या है? नंबर वन पॉइंट, अ चेक फॉर 50 पेड टू जे सिम्पसन हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंट नहीं हुआ, ये नॉट प्रेजेंटेड चेक है 50 के, ये क्या कर देंगे हम कैश बुक डेबिट बैलेंस में एड कर देंगे। 50 यहां क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा? दैट विल 390 में से हम लेस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। वो कहां लिखे हैं? ये द चेक रिसीव फ्रॉम कैसला 860 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। आपने चेक रिसीव किया था, कैश बुक में डेबिट आपने कर दिया है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आपने क्रेडिट साइड पर इसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप क्रेडिट करेंगे इसको। क्रेडिट करने का मतलब है अनक्रेडिटेड चेक्स जो हैं, नाम लिखना पड़ेगा मुझे, मैंने वैसे बताया था नाम दिया होगा तो लिखना पड़ेगा, कैसला है नाम उसका, और ये माइनस हो जाएगा कितना? 860 सब्ट्रैक्ट होना है, सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जब आंसर नेगेटिव में आ रहा हो तो दोनों बैलेंस सेम हो जाते हैं, और आंसर क्या आपका आएगा? वो आंसर हमारे क्वेश्चन में जो आंसर नहीं दिया हुआ उसके बराबर हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी आंसर की नहीं है। हम उसका निकाल लेंगे कि आंसर हमारा क्या आता है, तो जरा बताएं निकाल के। नेगेटिव 470।
हाँ जी, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव 470, लेकिन मैं नेगेटिव का साइन इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि जब नेगेटिव हो तो फिर क्या होता है, दोनों बैलेंस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है ऊपर, तो नीचे भी आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट, दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन इन स्टेटमेंट फॉर्म। आज हमने पढ़ी है बैंक रिकॉन्सिलेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, इसको जल्दी से लिख लें। इसका एक क्वेश्चन मैं और आपको सॉल्व करवाता हूं आज ही, यहां तक कोई मसला तो बताएं। अरे एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं, आगे चलें। लिख लिया आपने? एक मिनट सर। सर जी जी सर, मैं कह रहा था ये जो 470 आया है, ये तो समझ आ गई मुझे, ये फिर आगे यही आंसर है, आगे नहीं कुछ करना? नहीं, यही आंसर है बिल्कुल, लेकिन इस आगे इस क्वेश्चन में आप अपना आंसर चेक नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेक कर सकते? क्योंकि आपके पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल गिवन नहीं है, तो आंसर चेक नहीं हो सकता। और सर वो ऊपर वाला जो आंसर 570 ये बैंक चार्जेस और ये जो नीचे बैंक कैश पर बैंक स्टेटमेंट था, इनका सेम आना चाहिए जी? ओके सर, लिख लिया सर। माना चाहिए जब दोनों की बैंक रिकॉन्सिलेशन अलग अलग बैलेंस स्टार्ट हो रही हो तब, हर दफा नहीं। ओके 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 आगे देखते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखें इससे आगे अगर हम देखें तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें कैश बुक भी दी हुई आपको, और ये क्वेश्चन जो है वो आपने और बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया उसने दोबारा। इस तरह इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मई जून 18 का है, अभी हमने ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दी हुई है। दो क्वेश्चन है ये, इसकी पिक्चर आपको ले आप, ताकि आप इन दोनों क्वेश्चन को घर में सॉल्व कर सकें। तो मैं इसकी पिक्चर आपको देने लगा हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट करें और इसको जरा मिटाता हूं, जस्ट ए मिनट, सब टाइम जी जी इसकी पिक्चर लें जी, इसकी पिक्चर ले लें। मई जून 17-21 का मतलब, उसके बाद ये पिक्चर इसकी ले लें जी। ले ली सर। नेक्स्ट अब इसकी पिक्चर ले लें जी। ओके जी, तो ये क्या चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब इस चैप्टर के हवाले से हम मजीद जो है वो क्वेश्चन करेंगे, मजीद क्वेश्चन इसके हम करेंगे, जो कि मैं अभी आपको करवाने के जा रहा हूँ पास पेपर्स के हवाले से। एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद कल भी हम मजीद क्वेश्चन करेंगे, ताकि मैं स्टेटमेंट फॉर्म जो है समझ आ जाए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, आपके सामने इसकी पिक्चर ले लें ताकि आपके पास सवाल हो, पिक्चर ले लें इसकी 6 की। कल 7 और 8 करेंगे और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 6 क्वेश्चन की पिक्चर ले लें, ये मैं आपको भी करवाने जा रहा हूं। पिक्चर हो गई है, ले ली आपने? यस सर जी। ये भी है बैंक रिकॉन्सिलेशन, हमने बनानी है किसमें, स्टेटमेंट फॉर्म। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं। पीटर डिलमा कैश बुक, तो हम पीटर ही हैं। बैंक कॉलम, आपको पता है हमेशा कैश बुक का बैंक कॉलम ही दिया होता है, बैंक कॉलम मींस बैंक अकाउंट, हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 515, डेबिट बैलेंस दिया है 515 का। दिस डिड नॉट एग्री विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेम डेट विच शोड अ बैलेंस ऑफ 290, बैंक स्टेटमेंट से ये इक्वल नहीं आ रहा जिसका बैलेंस 290 है। द कैश बुक वॉज चेक्ड अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड, चेक्स टोटलिंग 620 इश्यूड टू ट्रेड पेबल had not been presented to the bank for payment. ये आपके not presented checks हैं, ऐसे चेक जो आपने पेमेंट के लिए जारी किए हैं लेकिन बैंक वालों ने पैसे अदा नहीं किए, NP,
an amount of 950 paid into the bank did not appear on the bank statement. 950, 950 हमने बैंक में जमा करवाए थे लेकिन बैंक में बैंक स्टेटमेंट में अभी तक ये क्रेडिट नहीं हुए. डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट का मतलब है बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे या बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे, एक ही बात है. अमाउंट ऑफ 950 पेड इन टू द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट, यहां पे क्या हो जाएंगे, नॉट क्रेडिटेड चेक्स. एंड सी बेटा, पेड इन टू द बैंक का मतलब होता है जमा करवाना. पेड इन टू द बैंक का मतलब होता है जमा करवाना, जो बैंक स्टेटमेंट में शो अभी तक हमें नहीं हो रहे, तो ये आपके बन जाएंगे नॉट क्रेडिटेड चेक्स. नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे हम. कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन टू द बैंक अमाउंटिंग टू 390 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक. गलती किसकी है बेटा, कैश बुक की. कैश सेल्स जमा करवाई थी बैंक में लेकिन कैश बुक में शो नहीं हो रही, तो ये गलती क्या है, रसीट कहलाएगी आपकी ये, और ये गलती कैश बुक की है, उसकी डेबिट साइड पे आएगी. जी सिकंदर. सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, आप स्क्रीन में कुछ करवा रहे हैं? हाँ सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? नहीं ये आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए. ओके ओके ओके. नहीं स्क्रीन तो मैं दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन दिखा रहा था मैं, इसका मैंने पिक्चर लेने को भी कहा. आपके नेट में प्रॉब्लम है, नेट आपका स्लो है सर, आप देख गए जी. तो अपडेटेड कैशबुक हम बनाते हैं, इसको मैंने बताया था रिवाइज कैशबुक भी बोलते हैं, इसको अपडेटेड कैशबुक भी बोलते हैं, इसको एडजस्टेड कैशबुक भी बोलते हैं. सबसे पहले आपको ये जो है वो बनानी पड़ेगी. सबसे पहले डॉलर के साइन यहाँ डालते हैं जी, राइट साइड पर भी आपके आ जाएंगे डॉलर के साइन. ओह सॉरी, अब सबसे पहले अपडेटेड कैशबुक के अंदर हमें क्या रिकॉर्ड करना होता है जी, सबसे पहले बैलेंस आता है, ग्रॉस डाउन लिखेंगे हम, जो कि हमें दिया हुआ है कितने का क्वेश्चन में, 515 का. सर ये कहाँ दिया हुआ है, देखते हैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं. देखें 515 का कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है. पीटर डिलमा कैशबुक बैंक कॉलम है डेबिट बैलेंस ऑफ 515, मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया. अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इसके बराबर नहीं आ रहा, जो कि बराबर आना चाहिए, क्योंकि गलती है. सबसे पहले देखें कि नंबर थ्री में कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अमाउंटिंग टू 390 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक फ्रॉम द कैश बुक. पैसे आए थे बैंक में जमा हो गए लेकिन हमने कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. किस नाम से आ जाएंगे, कैश सेल्स डिपॉजिटेड, इस नाम से आप लिख देंगे डेबिट साइड पर, अमाउंट आ जाएगी 390 की. तो कितनी अमाउंट आपने कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड जो है वो नहीं की. आगे नेक्स्ट चलते हैं. द बैंक हैड रिसीव्ड 150 बाय क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम क्लर्क फॉर डिलमाज अकाउंट, डिलमा हैड नॉट बीन एडवाइस. क्रेडिट ट्रांसफर हुआ था पैसों का लेकिन हमने अभी तक उस क्रेडिट ट्रांसफर को रिकॉर्ड डिलमा ने यानी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो क्रेडिट ट्रांसफर भी आपकी क्या है, रिसीट है आपकी, आपको उसको रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यहीं पे लिखेंगे हम क्रेडिट ट्रांसफर, उसकी अमाउंट हम देखते हैं कितनी है. क्रेडिट ट्रांसफर वैसे भी रिसीट होती है आपकी, 150 की अमाउंट है वो, मैंने 150 लिख ली. नेक्स्ट देखते हैं जी आगे. अ चेक फॉर 315 रिसीव्ड फ्रॉम जोसेफ हैड बीन पेड इनटू द बैंक बट इट हैड नाउ बीन रिटर्न्ड अनपेड. ये क्या है, चेक बाउंस हो गया है, चेक डिसऑनर हो गया है, अनपेड चेक है. नो एक्शन हैड बीन टेकन बाय डिलमा, डिलमा ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये क्या है आपके, चेक डिसऑनर है, पेमेंट है. तो ये 315 कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो पेमेंट का इफेक्ट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो मैं लिखता हूं क्रेडिट साइड पर चेक डिसऑनर, ये आपका आ जाएगा. कितना चेक डिसऑनर की अमाउंट, अगर हम देखें चेक डिसऑनर की अमाउंट हमारी आ रही है 315, ठीक है जी. तो 315 से चेक डिसऑनर आपका आ जाएगा, जो कि पेमेंट साइड पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ये तो सिंपल है, ये ट्रांजेक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की. बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस भी आपके पेमेंट साइड पर आते हैं, तो क्रेडिट साइड पर आप लिख देंगे बैंक चार्जेस, जो कि कितने हैं क्वेश्चन में दोबारा देखने पड़ेंगे मुझे, 120 के मैं लिख दूंगा, 120 के. इसके अलावा और कोई रिसीट्स पेमेंट्स नहीं है तो मैं यहाँ टोटल कर लूंगा इसका,
और आपका क्रेडिट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा सर डेबिट साइड की है 1055 1055 ऑब्वियसली क्रेडिट साइड भी होगी 1055 तो कैरिट डाउन कितना आएगा जी टोटल में से माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड सर 620 आपका आ गया कैरिट डाउन जो कि नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा और सॉरी नेक्स्ट मंथ का बन जाएगा ब्रॉड डाउन और इसी से आपने बीआरएस को स्टार्ट करना है क्योंकि डबल बैलेंस मेथड नहीं है ये वही है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और इसको हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डॉलर का साइन आपका आ जाएगा इधर आपको पता है कि आपका जो है क्वेश्चन में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में बैलेंस किसका दिया हुआ है कैश बुक का दिया हुआ है डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक और आगे क्या लिखूंगा डेबिट जो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेबिट बैलेंस और कितना दिया हुआ है डेबिट बैलेंस आपका 620 तो मैं 620 लिख दूंगा अब आपको पता है अगर कैश डेबिट बैलेंस हो तो इसमें नॉट प्रेजेंटेड चेक्स क्या हो जाते हैं एड सर वो उन्होंने क्वेश्चन में बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है जी जी वो निकलेगा ना आपका आंसर वो आंसर आपका निकलना चाहिए तभी तो आपका सवाल सही होगा बिकॉज़ आई एम नॉट यूजिंग डबल बैलेंस मेथड आई एम यूजिंग बाय स्केचिंग मेथड उसने तो नहीं बताया ना किससे स्टार्ट करो तो आपकी मर्जी जिससे मर्जी स्टार्ट कर दें दोनों मेथड से कर सकते हैं आप लेकिन मैं कर रहा हूँ उस नॉर्मल मेथड से जो हम नॉर्मली करते हैं ठीक है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट दिया हुआ 620 डेबिट बैलेंस होगा तो नॉट प्रेजेंटेड ऐड हो जाएंगे और नॉट क्रेडिटेड माइनस हो जाएंगे आगे देखते हैं जी अब हम सवाल में वापस हमारे नॉट प्रेजेंट चेक्स कितने दिए हुए ऊपर लिखा हुआ है चेक्स टोटलिंग 620 इश्यूड टू ट्रेड पेबल Had not been presented to the bank for payment. आपने पेमेंट के लिए चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किए 620 के तो ये आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं कितने के 620 के ये क्या हो जाएंगे बेटा एड हो जाएंगे नॉट प्रेजेंट चेक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर एड हो जाएंगे ये है बैंक रिकॉन्सिलेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म बना रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्म में 620 प्लस 620 कितना हो जाता है जी 1240 ये आपका आ जाएगा 1240 इसमें से हम माइनस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपके कितने एन अमाउंट ऑफ 950 पेड इनटू द बैंक डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट हमने 950 जमा कराया था बैंक में लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहा बेटा जमा कराए ना तो जमा जो पैसे कराते हैं वो कैश बुक में डेबिट होते हैं और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होते हैं लेकिन आपने क्रेडिट नहीं किए तो आप क्रेडिट करेंगे बैंक स्टेटमेंट में मैं इसे क्रेडिट करूंगा तो ये लेस हो जाएंगे क्योंकि लेस होते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स कितने के 950 के ये आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी बताएं 290 और ये जो आंसर आपका आ जाएगा ये आपका आंसर किसका निकला है जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऊपर डेबिट है तो आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा जी क्रेडिट 290 आप देखते हैं क्या हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 290 दिया है जी हाँ 290 दिया हुआ है तो वही निकल रहा है हमारा जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आना चाहिए यह है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर याद रखिएगा इस हवाले से क्वेश्चन आपके सामने है अगर कैश बुक का बैलेंस ना दिया हो अगर कैश बुक का बैलेंस ना दिया हो तो हमेशा डेबिट होता है अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ना दिया हो तो हमेशा क्रेडिट कंसिडर करते हैं नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का डेबिट होता है और नॉर्मल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का हमेशा क्रेडिट होता है हम खुद एज्यूम करके लिखते हैं ये याद रखना है आपने कि नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं उसके वाले से भी और ओवरड्रॉन क्या होते हैं जब आप कैश बुक से ज्यादा पैसे निकलवा लें तो उसको ओवरड्रॉन बैलेंस कहते हैं यानी कि ओवरड्रॉन बैलेंस कैसे हो सकता है आपका मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा सपोज करें कि आपने 10,000 रुपया बैंक में जमा करवाया है तो ये डेबिट साइड पर 10,000 शो होगा और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर 10,000 शो होगा बैंक स्टेटमेंट में अब अगर आपने 20,000 रुपया बैंक से निकलवा लिया कितना 20,000 तो आपको वो पैसे बैंक को वापस करने हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा वो 20,000 यहां पे आ जाएगा ना तो आपका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा 10,000 का जी
इसी को ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। इसका मतलब है कैश बुक की क्रेडिट साइड अगर बड़ी होगी, दैट इज विच बैलेंस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, और अगर बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड बड़ी होगी तो दैट इज बैंक स्टेटमेंट विच बैलेंस डेबिट बैलेंस विच इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्रॉन बैलेंस, क्या आपने ज्यादा पैसे निकलवा लिए और आपने 10,000 बैंक को वापस करने हैं, हमारी लाइबिलिटी, इसलिए कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और बैंक वालों ने ये पैसे हमसे लेने हैं, इसलिए बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन बैलेंस। जी अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी पिक्चर जरा ले लें आप जल्दी से, क्योंकि कल हमने करने हैं, आप घर में ट्राई कीजिएगा इन सब क्वेश्चन की, अदरवाइज कल तो हम करवाऊंगा ही, ऑनलाइन क्लास में ही होगी हमारी क्लास, तो आप नेट का बंदोबस्त करके जाइएगा, जो भी आपने करना होगा अगर आपने एकेडमी जाना है तो। 7 हो गया, उसके बाद 8 क्वेश्चन, पिक्चर ले ली इसकी दोबारा, जी ले लें पिक्चर, ओके इज इट डन सर? हो गया जी, आप पिक्चर ले लें अगले क्वेश्चन की, 8 की, इसके भी वही बनाना है आपने, ये दो क्वेश्चन रह गए थे हमारे जो कि हमने सॉल्व करने, इसकी भी पिक ले लें और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कल मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा, ये दो क्वेश्चंस मैं कल फिर कराऊंगा और कुछ इसकी जो एक्स्ट्रा कुछ चीजें अगर आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर आपको भेज दिए सिकंदर सारे के सारे, तो जान आपने ईमेल एड्रेस अब तक नहीं भेजा, इसलिए मैं आपको लेक्चर सेंड नहीं कर सकता। सर आपने भेजा है वो स्टार्टिंग वाले लेक्चर, बस वो आपने सारे देखने हैं, स्टार्टिंग से देखने हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको मुश्किल आएगी। सर मैंने देखे हैं वो, मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, वो मैंने समझ आ गई हमें। अच्छा वेरी गुड, वो आपने देखने हैं, वो देखने बहुत जरूरी है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह ताला मजीद इस पर हम बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन पे। अयान आपके 4 चैप्टर रह गए, आप एक मैन्युफैक्चरिंग का, एक पार्टनरशिप है जिसके क्वेश्चन आपने IGCSE में से करने, याद आया मैंने बताया था अच्छे तरीके से कि आपने उसके क्वेश्चन IGCSE में से करने, ठीक है बता दिया आपको मैंने, एक पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चैप्टर आपके रहते हैं बस, बाकी चैप्टर आपके खत्म हो गए हैं। अगले वीक में इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर 2 चैप्टर कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, और उससे नेक्स्ट वीक में बाकी 2 भी हमारे कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।